ऑनलाइन गेमिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे आप क्रिकेट है या फिर कुछ भी है, आप जब थक जाओगे तो चले जाओगे, यार मैं सो रहा हूँ। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग के साथ एक प्रॉब्लम है, पता है क्या, पूरी रात रात लोग लगे रहते हैं और उनको समय का पता ही नहीं लगता। मैंने ऐसे ऐसे पागल देखे हैं जो 24-24 घंटे ऑनलाइन गेम खेलते रहते हैं और उनको समय का पता नहीं लगता। 3-3 रात के 4-4 बज जाते हैं जब रात को वो शुरू करते हैं। और बहुत सारे लोगों को पता है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये एडिक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक लिमिट में करो दैट इज गुड, बट उससे ऊपर करते हो तो दैट इज रियली बैड। और पता है ज्यादा गेम खेलने से पढ़ाई में मन नहीं लगता। आप पढ़ के देखना, आपको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। आप अगर आप बहुत ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग खेलते हो, आप नोवेल वगैरह नहीं पढ़ सकते हो, 4 लाइन पढ़ते आपको नींद आने लगती है। और सपोज करो कि आप किसी गेम के पीछे पड़े हो और एक स्टेज आपसे पार ही नहीं हो रही है, हर बार आप लास्ट में अटक जाते हो, गुस्सा आने लगता है आपको, है ना। सो इन दैट केस आप में स्ट्रेस बढ़ने लगता है। ओवर यूज करने से आपका स्ट्रेस बढ़ता है, दिमाग पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ती है और फिर आपको नवरत्न तेल की याद आती है कि नवरत्न तेल होता तो मसाज करा लेता। ये ओवर स्ट्रेस बेसिकली ना आपको लीड्स टू मेनी डिजीज, आपकी बॉडी में बहुत सारी डिजीज का कारण है ये ओवर स्ट्रेस। सबसे ज्यादा अगर कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, अगर आप बहुत ज्यादा एडिक्शन रखते हो, तो एकेडमिक इंपेयरमेंट आपके बहुत ज्यादा खराब होने लगते हैं जब आप ऑनलाइन गेम्स खेलना शुरू कर देते हो। ये इनके कौन से, अब आप लोग मुझे बताओ कि आप में से कितने लोग मानते हैं कि हाँ कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है और हमें इन सब चीजों को लिमिट में करना चाहिए।